चलो अभी अपनी जॉगिंग की तैयारी करते हैं। ये जैकेट निकालता हूँ, इसे रखूँगा कहाँ पर? हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी फिलहाल घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल घर के सेंटर में खड़े होकर व्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। नहीं तो बहुत ज़्यादा साउंड आती है, कोई ना कोई बोलता रहता है। तो अभी फिलहाल जस्ट मैं क्या घर पे और सब बाहर गए हुए हैं, मम्मी भाभी और गुड़िया मार्केट गए हुए हैं किसी काम से, एंड सूर्या गया हुआ है अपने मामा के घर पे। तो सुजा लाया था और सूर्या को लेकर चला गया, पापा भी काम से गए हुए हैं और सुगम कैफे पे है, सौरभ भी शायद बाहर है किसी काम से। तो अभी मैं जस्ट घर पे अपना काम ही कर रहा था ऑफिस का, और कल के ब्लॉग के अभी तक एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो करूँगा, कर रहा हूँ मतलब, थोड़ा काम बाकी है। तो अभी जल्दी से पहले वो निपटाते हैं और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कहीं बाहर चलेंगे। फाइनली अब जाके वीडियो अपलोडिंग पे लगी है भाई, टाइम देखो क्या हो गया है, 3:51। मतलब क्या बताऊँ, इतनी बुरी हालत है ना, किसी भी टाइम काम आ जाता है और मतलब कोई फिक्स नहीं है किस टाइम ऑफिस वर्क करना पड़ रहा है। तो बुरी हालत है, तो कुछ नहीं कर सकते अभी, मतलब कुछ दिन तक तो ऐसे स्केड्यूल रहने वाला है, जिसकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन मैं किसी भी तरह कोशिश करके अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी लास्ट सैटरडे संडे जब मैं हापुड़ था तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ा था ऑफिस का, वो तो मैंने ब्लॉग में दिखाया ही था क्या। तो अभी भी कुछ ऐसी हालत है, तो कुछ नहीं पता कब क्या हो रहा है, तो टाइमिंग बिगड़ी पड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह अपलोड हो जाए। तो पता नहीं क्या हुआ यार, देखते हैं जैसा भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में पता लगता रहेगा। एक काम ख़त्म और दूसरा काम तुरंत स्टार्ट, नो रेस्ट। चलो भाई खुल जा सिम सिम। मम्मी इधर क्या कर रही है, प्रेस कपड़े? अच्छा कपड़ों की तय बन रही है, और इसे देखो मोचा का, अरे जुराब निकाल रखी, जुराब पड़ के पी रही गुंठा, अंगूठा पी रही। इसके आंखों पर लाइट लग रही होगी ना, इसलिए देख रही इधर ये। अब इसकी सारी मस्ती गायब होगी लाइट देखने के बाद, सारी मस्ती गायब है ना मोचा। अपना पैर पकड़ के खुद ही अंगूठा पी रही है ना? पी के दिखा दे। कैसे पी रही थी, दिखाइयो पी के। ऐसे पैर को पकड़ो अपने हाथ से, पकड़ ले पकड़ ले पकड़, जैसा भी कर रही थी। इसका मुंह बहुत चलता है, अपनी करने की है, अपनी करने की है, ऐसे ऐसे करती है ये। अपनी एक सोक्स निकालने के बाद और अपने दोनों हाथ से अपना पैर पकड़ के अंगूठा चूसती है पैर का, है ना मोचा? ऐसे क्यों कल किया? जो मोबाइल दो तुझे, मोबाइल ना, मैं देता मैं देता मैं देता। ये लाइट भी खराब हो गई, ये चल रही है अभी। क्या कौन सी? ये वाली भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की लॉबी की बात करूँ तो एक वाली लाइट खराब हो गई, ठीक है, ये चल रही है अभी, यहाँ पे तो है ही नहीं खैर, ठीक है। और अगर मैं अपने वाले रूम की बात करूँ तो वो वाली ख़राब हो गई, ये तो अभी चल रही है खैर। और कुछ ही दिन हुए होंगे शायद, मुश्किल से 1.5-2 महीना हुआ होगा, और 3-4 लाइट ख़राब हो चुकी, और बैठक की बुरी हालत है, दिखाता हूँ अभी बैठक की। तो ठीक है, ये दोनों ख़राब हो गई, बताओ। तो मतलब जब भी मुझे शाम के टाइम रात में वीडियो बनानी होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता हूँ, इतना अंधेरा रहता है ना, मतलब एक भी लाइट अगर ख़राब हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है लाइट में। जब भी मैं अपने रूम में या फिर बैठक में अपना व्लॉग शूट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ग्रेंस आती है, तो रात के टाइम और शाम के टाइम तो मैं कुछ टाइम से बिल्कुल अवॉइड ही कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा रहता है तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अरे यार ये बताओ, टंकी खोल रखी है फालतू में, पानी बहता रहता है सारे, मेरे को यहाँ पर हर जगह गीला हो रखा है, पता नहीं बंद नहीं करते यार, देखते ही नहीं घर वाले, खोल तो देते हैं बंद नहीं करते। और मतलब रोज का ही सीन है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 2-3 दिन में तो आई जाती है ये बात कि पानी चलता रहता है, पानी वेस्ट करते रहता है बाल्टी में। हाँ तो मैं कह रहा था लाइट का बहुत ज़्यादा यार परेशान हो चुका हूँ मैं, मतलब अभी की बात है 1.5-2 महीने पहले की बात है जब मैं लाइट्स खरीद के लाया था और पापा के साथ मिलकर फिर लाइट्स चेंज की थी जो ख़राब हो रखी थी, और शायद उनमें से भी एक दो ख़राब हो गई जो मैं लाया था अभी, तो इतना बुरा हाल है और इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब लगाते हैं और फिर ख़राब, मतलब हफ्ते दो हफ्ते में तो मतलब आ ही जाता है नंबर, कोई ना कोई ख़राब हो जाती है घर की लाइट, तो काम फालतू का फैला रहता है, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ सच में। दिक्कत ये नहीं है कि भाई नई लानी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, दिक्कत ये है कि जो नई लाएंगे वो भी कुछ देर में ख़राब हो जाएगी, तो ये भी करनी पड़ेगी, तो देखते हैं कब टाइम मिलेगा, करनी तो पर ये पड़ेगी ज़रूर जल्दी। देखो मम्मी ने इसे दोबारा जुराब पहना दी और ये फिर अपने कारस्तानी में लग गई, कारस्तानी में लग गई खारिस्तानी में, जुराब निकालने में लग गई फिर से। निकाल ले तो अपनी मन की कर, निकाल ले आधी तो निकाल भी रखी, दिखे निकाल रखी आधी तो। मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ, कर लिया बंद मैंने। क्या मुझे है, ले पकड़ अपना पैर, खा जा
निपटा दे अपने पैर को। इसका झूलने का स्टाइल देखो, झूला आगे जा रहा है तो ये पीछे जा रही है, ये पीछे जा रहा है झूला तो ये आगे जा रही है। गिर मत जाइयो तू। मोचा कैसे झूलने का स्टाइल है तेरा? हाँ अब भाई मम्मी साफ करने के लिए यहाँ पे पूरा गीला होने के बाद ये देख भी लिया करो, टंकी चलती रहा टाइम नहीं। मोचा बोल, दादी को बोल, ऐसे पानी वेस्ट करना गंदी बात है ना, गंदी बात है ना, बोल दे अम्मा को बोल दे। देख क्या कर रही दादी, अब साफ कर रही, पहले पानी फैलाती है फिर साफ करती है ना मोचा। क्या देख ली तू, क्या देख ली तू इतने गोश से? हाय मोचा, कैसा बच्ची? देख ली तू तो झूल रही है भाई, कैसे कैसे झूल रही बच्ची भाई, ये तो गिरने जावे। नहीं गिरने की, नहीं गिरने जावे नोनी जी, मजे से झूल रही है वो, पूरा मजा आ रहा, पूरा मजा। जा अम्मा पे चली जा, जा एकदम कैमरे की तरफ देखा लगे। हाँ। पता चल जा, पता नहीं क्या इसका दिमाग में क्या है। और ये बात तो तब है जब उसकी स्क्रिप्ट दूसरी साइड है और मैं रियल कैमरे से शूट कर रहा हूँ अभी। हाँ। कैमरे की तरफ देखती है मोचा, अरे मोचा अभी कैमरे की तरफ देख रही, मेरी तरफ नहीं देख रही। हाँ। नहीं मेरी तरफ देख मोचा, मुझे देख मोचा, मुझे नहीं देखती भाई बिल्कुल भी। ठंडा हो गया ना काम? नहीं तो इसका ये नहीं लग रहा। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो कान प्रोटेक्टर भी लग रहे हैं, ये देखो इससे कान बच रहते हैं मौतों के, है ना मोचा? मोचा कैमरे की तरफ देखती है बड़े ध्यान से। आजा चलो जाओ, जा ए चली जा, ए चली जा, ए चली जा, ए चली जा, खजी होगी। चलो कैमरे में घुसेगी क्या? रहने दे कैमरे में ना घुसे। चल तो अभी फिलहाल का सीन तो ये है कि मैं सोच रहा हूँ आज से अपनी जॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एक साल से मैंने जॉगिंग नहीं की, बस जिम चल रहा है और मुझे लगता है कि जिम इज नॉट एनफ, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न होनी चाहिए। मसल्स तो ठीक है कि मसल्स की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कैलोरी बर्न जो होती है सही से वो जॉगिंग से होती है। तो अभी तो पहले बाइक निकालता हूँ मैं, और बाहर गेट के बिल्कुल सामने की तरफ ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो अभी देखते हैं निकलेगी नहीं निकलेगी, ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये कार बैक करवानी पड़ेगी। हाँ बच गई है कार तो चलो। चलो आराम से निकल गई, चलो गेट ओपन कर देता हूँ एक बार ही। तो मैंने आज तक जितनी भी जॉगिंग की है ना मेन फील्ड में की है, जनता वैदिक कॉलेज का जो मेन फील्ड है, आज तक मुझसे रोड पे नहीं हुई। मैंने काफ़ी कोशिश की रोड पे ट्राई कर लूँ लेकिन होती नहीं है। वो भी जल्दी चलते हैं जनता वैदिक कॉलेज के फील्ड में। सूरज ढलने लग रहा है और ग्राउंड काफ़ी गीला है भाई, देखो दिख रहा है, जो इनर वाला है वो ठीक है, बाहर वाला तो गीला ही है पूरा। तो आज तो काफ़ी हेजिटेशन हो रही है ग्राउंड को देख के ना, पहले जब मैं जॉगिंग करने आता था इस ग्राउंड के ऑलमोस्ट 10 चक्कर काट लेता था आराम से बड़े प्यार से, और आज तो मुझे लग रहा है कि एक भी चक्कर भारी पड़ने वाला है, बहुत दिन हो गया ना। तो जिम भी चलेगा अब जॉगिंग भी चलेगी, दोनों चीज़ क्या करूँगा, मतलब मुझे आदत है लेकिन थोड़ा मुश्किल आया करेगी फिर जिम करने में जॉगिंग के बाद ना। चलो अभी अपनी जॉगिंग की तैयारी करते हैं, ये जैकेट निकालता हूँ, इसे रखूँगा कहाँ पर, ये तो दिक्कत हो गई, किसी भाई के रखे हुए हैं वैसे कपड़े यहाँ पे, मतलब पोलोथीन पे रखे हुए हैं, मैं क्या करूँ यार, पर पता चला मैं जॉगिंग करके आया जैकेट ही गायब हो गई, रिस्क लेना पड़ेगा, क्या करें, ऊपर टांग देता हूँ सही रहेगा, देखी जाएगी। अबे यार पोस नहीं पाई, टंग गई, चलो सही है, दिखती भी रहेगी दूर से। तो ईयरफोन लगा लिया है, मज़ा आने वाला है भाई आज, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत दिनों बाद जॉगिंग करूँगा ना। अरे यार
गीला हो रखा है यहाँ पे सारे मेरे को। ये वाला ट्रैक सूखा हुआ है, देखो ये वाला पूरा सूखा हुआ है, और ये जो बड़े वाला ट्रैक है ये थोड़ा गीला है। तो जो इस ट्रैक की जो लेंथ है ऑलमोस्ट 400 मीटर्स है, और जो बड़े वाला है उसकी 450 के करीब है। देखते हैं कितने राउंड्स लगेंगे, आज स्टार्ट करते हैं। Later. Literally ना मज़ा आ गया भाई साहब, इतने दिनों बाद भाग के अलग ही फीलिंग आ रही है। तो मैंने पूरे 4 राउंड मारे भाई इस फील्ड के। मैं तो सोच रहा था कि एक भी ढंग से नहीं लगेगा, लेकिन 4 कर लिए, काफ़ी सही है। मतलब अभी फिटनेस मैं फिटनेस तो ठीक होगी, जिम करता हूँ डेली, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ अलग अलग है, जॉगिंग करना और जिम जाना बहुत साथ चढ़ गया। अभी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ भाई, हाँ लेकिन सच में जो है मज़ा आ गया भाई। चलो अभी चलते हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लिया काफ़ी है, और खड़े होने पे अभी चल रहा हूँ तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे धरती हिल रही हो। ये जैकेट उतार लेता हूँ, एक बार ठंड लगने लगी 5 मिनट में, असल में है ना पसीना आ गया तो हवा लग रही है तो ठंड लग रही है इस वजह से। तो अभी चलते हैं घर पे, निकलते हैं। अभी जस्ट जिम के लिए निकला था, और जा तो रहा हूँ जिम, लेकिन पता नहीं क्या ही होगा आज तो भाई, मतलब लिटरली पैर डोल रहे हैं मेरे अभी, तो थके हुए हैं मतलब पैर बुरी तरीके से, तो पता नहीं सही से जिम होगा नहीं होगा, जिम जाने के बाद ही पता चलेगा अभी तो क्या होगा, आके बताता हूँ क्या सीन रहा। जिस टाइम जिम में घुसा था उस टाइम तो कहता था कि भाई मुश्किल से 15-20 मिनट जिम होगा, लेकिन करते करते फिर पता ही नहीं चला पूरा ही जिम हो गया। तो वही है भाई, प्रैक्टिस मेकअप मैन परफेक्ट, इतना टाइम हो गया जिम करते करते, बॉडी को भी एकदम हैबिचुअल हो चुकी है यार। लोग बाग कैसे देखते हैं कई बार मुड़ मुड़ के, मुझे भी खुद को अजीब सा लगता है लेकिन अब मैं भी इस चीज़ का भी हैबिचुअल हो चुका हूँ कि रोड पे थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट हो जाता है, मतलब फिर भी जब लोग बाग देखते हैं थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है। आखिरी में आके घंटी बजानी पड़ी, खुल नहीं रहा क्या गेट, सौरभ को बुला ले एक बार। हाँ, अबे सोरिया आ गया तू, कब आया मामा के यहाँ से है बे? हाँ क्या हो गया मोचा कौआ, गम्मी लग रही गम्मी, बस देख दीदी रो रही तेरी, चुप कर तेरे से दीदी रो रही, तू नहीं करने का और कौन करेगा, चुप हो गई हो गई, चुप हमने कर दी, चुप हो गई भाई, एकदम हो गई, अब तो शांत हो गई। तेरे पे अपनी बहन चुप नहीं हो रही है बंदर, तू क्या करेगा और जो तो जीभ निकाल कर दिखा रहा मुझे, अगर मैं तेरी जीभ काट लूँ ये कोई दिक्कत थोड़ी है, देख तोड़ूँ ऐसे जीभ को, देखूँ देख जीभ को तोड़ूँ तेरी मैं, दे दे मुझे अपनी जीभ। हेलीकॉप्टर कहाँ है तेरा मम्मा वाला हेलीकॉप्टर, कहाँ पे है बब्बा के पास, ठंड भी लग जाएगी, ये वाला हेलीकॉप्टर लाया गया तू, चलो डाले तेरा तो काम है हर बार का हेलीकॉप्टर और गुब्बारे बस और कुछ नहीं, चला ले चला ले, चप्पल पहन, चल चप्पल पहन ले, हाँ चप्पल पहन। सॉरी जब से मुझे आवाज़ लगा रहा है देखने के लिए वीडियो की, मैं वीडियो देखूँ। ओ भाई मम्मी गुड़िया को ले ले, मेरे पेट में बैठी, पेट दुखने लगा मेरा, चलो मम्मी को बीटीवी देखना है, जाओ मौत तो जाओ अब दूध दूध खाओ। हाँ ओ भाई चीता तो भागती है ओ तेरी, चाल देखो भाई कितनी तगड़ी है। सोरे तू भी बनेगा चीता, नहीं मुश्किल है वैसे, पकड़ लेगा ये, जब तो वीडियो बना रखी है ये पकड़ेगा पकड़ेगा। वो भाई ये पकड़ लिया, मार दिया पंजा, मार दिया मार दिया मार दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, बैलेंस खराब कर दिया। नहीं मतलब बनी थी होगी तो दिखाई, जब ही है ही इन्होंने नहीं दिखाते ही नहीं। दूध निकाल दे, दूध निकाल दे, मोती ने दूध निकाल दिया, दूध क्यों निकल रहा, बातें तो कर रहा हूँ मैं, मुछो पीसा मोता बंदर, पीसा बंदर, पीसा बंदर,
है ना, बन जाए बन जल। तो गाइज अभी फाइनली ब्लॉग की एडिटिंग हो गई है कंप्लीट और टाइम हो चुका है अभी 12:25। तो मैं आज अराउंड 9:30 पे ब्लॉग की एडिटिंग करने बैठ गया था, तो आज काफ़ी जल्दी बैठ गया था डिनर करते ही तुरंत, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और जल्दी सोना था। मैं सुबह लगभग 8 बजे का उठा हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रनिंग भी की थी आज, तो उसकी वजह से भी थोड़ा और थका हुआ हूँ। तो अभी जल्दी से ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में ऊपर ब्लॉग कैसा लगा। तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तूने क्या क्या खाया मम्मा के, मम्मा के क्या क्या खाया तूने, तेरा सिर लग गया साले, फूट गया बस, चिट्टी मार दी तुमने साले। Somebody else, like you got boys with